अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ, छोटे पाए बनाने की रेसिपी। और ये घर में सभी को पसंद होते हैं, छोटे पाए बहुत ज्यादा पसंद की जाने वाली डिश है। और इसको बनाने का तरीका कार थोड़ा सा टफ होता है, आम हंडिया से थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। कुछ लोग इसको बनाते वक्त बहुत घबराते हैं कि शायद हमसे सही बन पाएंगे या नहीं, क्योंकि ये एक अहम डिश होती है। तो इसको बनाने का आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही ईजी और सिंपल है। स्टे कनेक्टेड। इसकी रेसिपी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिए हैं पाए, छोटे पाए में बना रही थी और मैं इसकी रेसिपी रिकॉर्ड कर रही हूँ आपके लिए। तो डेढ़ दर्जन इसकी क्वांटिटी है, डेढ़ दर्जन छोटे पाए ले लिए हैं। उनको अच्छे से साफ कर लेना आपने और बाकी के इंग्रेडिएंट्स आप देख लें। एक अदरक प्याज है उसको चॉप कर लिया, अदरक लहसुन है, साबुत धनिया है, जीरा है, सौंफ है, काली मिर्च, लौंग है, मोटी इलायची है जिसको बड़ी इलायची भी बोलते हैं, दालचीनी है और तेज पत्ता है। ठीक है, ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हमें यखनी बनाने के लिए चाहिए होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रेशर कुकर ले लेंगे, उसमें हम लोग पाए ऐड करेंगे जो हमने साफ करके रखे थे। और अब इसमें क्या करेंगे, जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो अभी मैंने आपको शो किए हैं वो ऐड करूंगी मैं। इसमें पानी हम डालेंगे तकरीबन 2 किलो और प्रेशर लगा देंगे। तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद, पानी ऐड करने के बाद प्रेशर तकरीबन आपने लगाना है 20 से 25 मिनट के लिए, ताकि ये जो पाए हैं ये गलने के लिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेते हैं, तो ये अच्छे से गल जाएं। जब ये अच्छे से गल जाएंगे तभी आपके जो सालन है इसका फ्लेवर ज्यादा अच्छा बनेगा। अगर ये सख्त होंगे तो ये खुश जायका नहीं होंगे और खाने में इसको मजा नहीं आएगा जब तक ये रुई की तरह गले नहीं होंगे। अब दूसरी साइड पे मैंने क्या किया, एक बेचका ले लिया, उसमें ऐड कर लिया है घी या ऑयल जो भी आप हंडिया में ऐड करते हैं, और उसमें थोड़ा सा जीरा मैंने ऐड कर लिया है। जीरा ऐड करने के बाद अब चॉप किए हुए प्याज उसमें ऐड कर रही हूँ। इनकी क्वांटिटी तकरीबन 4 अदद बड़े साइज के प्याज हैं वो ऐड कर दिए हैं, और इसको अब मैं लाइट सा ब्राउन कर लूंगी। तो ये देखें आप इसकी कितनी अच्छी शक्ल लग रही है, ये लाइट से ब्राउन होंगे। किसी भी हंडिया का जो प्रोसेस होता है उसमें सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है ऑलमोस्ट 70% हंडिया में वो प्याज को ब्राउन करना होता है। तो ये हमने कर लिए हैं प्याज ब्राउन। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये ग्रीन क्यों है, तो ये फार्मी जो लहसुन होता है उसका जब पेस्ट बना के रखते हैं तो उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें शामिल कर दिया है और अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए लाइट ब्राउन कर लेंगे। इसके बाद 1/2 कप इसमें आप पानी ऐड कर लें, छोटा कप बिल्कुल, थोड़े से पानी इसमें आपने शामिल करना है ताकि जब हम मसाला जार डालें तो ये नीचे नमक लगे। ठीक है, अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ नमक, मिर्च, पिसी हुई मिर्च है, हल्दी है, साबुत धनिया है और गरम मसाला है, इसके अलावा सूखी मेथी है। ठीक है, सूखी मेथी जो है वो 2 टेबल स्पून है, मिर्चें भी 2 टेबल स्पून है, इसके अलावा जो बाकी तमाम चीजें हैं वो 1 टीस्पून है। ठीक है, ये तमाम चीजें, ये तमाम मसाला जात ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी इसीलिए पहले शामिल कर दिया था ताकि ये अचानक से नीचे लगने का अंदेशा ना हो। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे हम इसको पका लेंगे। जैसे ही ये ऑयल रिलीज करना स्टार्ट होगा तो हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर। ये टमाटर का पेस्ट है, बना के रखा हुआ था, इसमें आप फ्रेश टमाटर ऐड करना चाहें तो उसकी प्यूरी भी आप ऐड कर सकते हैं, या पील ऑफ करके इसको कट करके भी टमाटर को आप ऐड कर सकते हैं, दोनों चीजें प्रेफरेबल है। टमाटर ऐड करने के बाद आपने इसको 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से मसाले को भून लेना है और फिर हम इसमें शामिल करेंगे दही। दही को आप फ्रेंड के रख लें अपने पास, एक साइड पे एक छोटा बोल हम दही का इसमें ऐड करेंगे। इसका मसाला बहुत अच्छे से हमने भूनना होता है क्योंकि जब पाए हमने इसमें शामिल करने हैं, जो यखनी बना के हमने सेपरेट रख लिए थे प्रेशर में, आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, सबसे पहले पाए की यखनी मैंने बना ली थी तो उसको मैंने सेपरेट रख दिया था। अब दूसरी साइड पे बेचके में मैं उसका मसाला भून रही हूँ। तो जब मसाला मेरा रेडी हो जाएगा तो इसमें मैं शामिल करूंगी जो पाए हैं उनको मैं इसमें शामिल कर दूंगी। अब देखें तकरीबन मसाला 98% भून चुका है। इसके भूनने का आपको पता चल गया होगा कि कैसे पता चला कि मसाला हमारा रेडी हो चुका है, क्योंकि इसने ऑयल रिलीज कर दिया है, इसलिए अब हमारा मसाला रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक छलनी की मदद से यखनी वहीं पर रहने देंगे और जो पाए हैं उनको निकाल के हम इसमें ऐड करते जाएंगे, मसाले में ऐड करते जाएंगे। और अब जो पाए हैं इनको
अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका फ्लेवर डबल हो जाए। और जब ये अच्छे से भून जाएंगे तो फिर हम इसमें जो यखनी है उसको शामिल कर देंगे, ठीक है। पानी नहीं आपने ऐड करना, जो यखनी हमने बनाई थी, क्योंकि जो पाए का सारा जायका है वो उस यखनी में है, तो आपने उस यखनी को इसमें बाद में शामिल कर देना है। तो अभी मैं इसमें सिर्फ पाए ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छे से आपने भूनने हैं। तो ये बहुत खुश जायका बने थे, आई होप आपको इसकी शक्ल से ही लग रहा होगा कि ये कितने लजीज और उमदा पाए बने हैं। इसको आप घर में जैसे नाश्ते के साथ भी कर सकते हैं, पाए अक्सर नाश्ते में ज्यादा पसंद किए जाते हैं। इसके अलावा किसी की दावत आप करें तो ये एक यूनिक सी डिश होती है जो सबको पसंद आती है, ये डिफरेंट सी डिश होती है। बीफ पाए की रेसिपी भी मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, अगर आप को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी शेयर कर दूंगी। और ये मटन पाए की रेसिपी है, आई होप आपको आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। तो तमाम जो पाए हैं वो हमने इस बेचके में ऐड कर दिए हैं और अब इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है और तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे आपने अच्छे से भून लेना है, क्योंकि भूनने से ये होगा इसका जो फ्लेवर है वो एनहेंस हो जाएगा। ये देखें जी, ये देखने में कितने खुश जायका लग रहे हैं। अब इसमें मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून ऐड कर दिया सूखी मेथी। सूखी मेथी ऐड करने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप यकीन करें, ये जो छोटे पाए की रेसिपी है ये कब बनाई थी, जब सर्दियां स्टार्ट हुई थी, तो ये दिसंबर में आई थिंक ये रेसिपी मैंने रिकॉर्ड की थी, लेकिन टाइम ही नहीं मिला क्योंकि सर्दियों की इतनी स्पेशल रेसिपीज थी कि उनको अपलोड करने में ये पाए की रेसिपी पेंडिंग पे चली गई और होते होते ये मार्च में मैं अपलोड कर रही हूँ। तो जिन व्यूअर्स को लगता है कि ये रिकॉर्ड करना और ये वॉइस ओवर करना और रेसिपी अपलोड करना बहुत ही आसान है, ये हर बंदा कर सकता है, तो आपकी इतला के लिए अर्ज है, ये बहुत मुश्किल टास्क है। जब इंसान करता है तो उसको पता चलता है कि सिर्फ देखने में ऐसा लगता है कि ये चीज आसान है और बहुत इजी है, लेकिन करने में ये बहुत ही मुश्किल होती है। तो जैसे ही पाए हमने 10 से 15 मिनट के लिए मसाले में अच्छे से भून लिए थे, तो अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं यखनी। यखनी जो पहले ही बना के रख ली थी, तो उसकी वजह से आप देखें इसकी शक्ल कितनी खुश जायका लग रही है। और अब इसके ऊपर ये जो जिसको तरी भी बोलते हैं, ये हंडिया ने अपना ऑयल रिलीज कर दिया। वैसे जो पाए होते हैं ना उसमें मेरी अम्मी कहती हैं कि आपने इसमें अगर आप कम भी ऑयल डालते हो ना तो जो पाए होते हैं ये खुद से अपना ऑयल रिलीज कर देते हैं। तो जितना कम भी आप ऑयल डालोगे लेकिन इसकी जो तरी है वो खुद से ही ज्यादा आ जाएगी। तो जैसे ही ऑयल रिलीज किया इसका मतलब हंडिया रेडी हो चुकी है। तो अब इसको हमने गार्निश किया धनिए के साथ। आई होप आपको इसकी शक्ल बहुत अच्छी लग रही होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जो व्यूअर्स कमेंट करते हैं मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है और मजीद अच्छा काम करने का दिल चाहता है कि लोग पसंद करें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। बहुत कम टाइम में मेरा चैनल मोनेटाइज तो हुआ लेकिन आप सबकी सपोर्ट के साथ बहुत अच्छे से ग्रो भी हो गया। बहुत से लोग मैंने देखे हैं चैनल स्टार्ट करते हैं लेकिन उनको कोई मोटिवेशन लेवल ही इतना डाउन होता है कि 3 से 4 महीने के बाद वो गिव अप कर देते हैं और छोड़ देते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तकरीबन 6 to 7 मंथ्स होने वाले हैं तो मैंने अभी तक गिव अप नहीं किया, बल्कि एक बहुत ही गुड न्यूज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो थैंक यू सो मच रेसिपी देखने के लिए। ये थी इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन जो कि एक कुनाली में मैंने आपके साथ शेयर की। इसमें इसकी लुक बहुत एनहेंसिंग लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। तो हमने पाए को नान के साथ सर्व किया जो कि सब ने बहुत ही ज्यादा पसंद किया। आई होप आपको भी पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।